सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस साइंस एपिसोड क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन को आज कवर करेंगे जो आपका सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है। तो गाइस, वीडियो पर बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुका है। प्रीवियस ईयर वगैरह कोई भी पेपर चेक कीजिएगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आपको पता है हम लोग सीरीज वाइज में ला रहे हैं इसे, एपिसोड वाइज आपका दिख ही रहा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और वीडियो पता ही है हमारा, शॉर्ट वीडियोज़ अब आता ही है तो उससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आज जो लॉन्ग क्वेश्चन में करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस तरह का जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन एडेड होते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तो पूछा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना क्या डिफरेंस कैसे हमको लिखना है। और बी नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट लैम्प विच वन हैज़ हायर रेजिस्टेंस व्हेन इट इन यूज़ कर दीजिएगा यहाँ पर व्हेन इट इज़ इन यूज़ व्हेन इन यूज़। और थर्ड में हमारा सी नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। तो ये सब हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने कवर किया था पूरा जो भी है। ऐसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे अभी तक, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका कवर हो ही गया होगा। नहीं हुआ है तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर का डिफरेंस कर लेते हैं कि इसमें क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो इसको कहते हैं द वर्क डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसको क्या कहते हैं, कितना वर्क डन किया जा रहा है, जो भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारा निकलता है उसको वो एक तरह से हीट के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो वो हीट का फॉर्मूला जो होता है, हीट जो हम लोग निकालते हैं, H=VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखने के लिए सहूलियत होगी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी = अगर इसको फिर कन्वर्ट कीजिएगा तो V को अगर रहने दीजिए, I को हम लोग, आपको पता है ना जूल्स लॉ, ये क्या बोलते हैं ओम्स लॉ में हमने बताया था आपको, V=IR, इसको आप जस्ट पुट कर करके आप लोग इस तरह से वैल्यू और दो वैल्यू निकाल सकते हैं, V²R×T, ये तो I²RT, ये भी होता है इसका फार्मूला। लेकिन इसको याद रखिएगा, एक फार्मूला याद रहेगा तभी आगे वाला भी कैलकुलेट कर पाइएगा। तो heat=, जो है VIT, वैलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे आप ये फार्मूला कन्वर्ट कर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा हो गया, पहला हमने समझ लिया, दूसरा में डिफरेंस में हम लोग क्या लिखे, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो एनर्जी जो हमारा, जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो हमारा फार्मूला निकला कि ये किसके बराबर होता है, तो एनर्जी ये हमारा पावर इनटू टाइम, इसका प्रोडक्ट होता है पावर और टाइम का। और बेसिकली इधर हम जो थर्ड नंबर में से देखें, इट्स एसआई यूनिट, उसका एक एसआई यूनिट को मेंशन करना है। तो इसका क्या होता है, एसआई यूनिट जूल, और जो जूल होता है उसको क्या कहते हैं, वाट सेकेंड कहते हैं। 1 joule = 1 watt × 1 second। अब इलेक्ट्रिक पावर को देख लो, इसको क्या कहते हैं, फिर हम इसका डिफरेंस कर ही रहे हैं। तो एक बार इलेक्ट्रिक पावर को चेक करो, तो टाइम रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो ये बेसिकली क्या है, ये रेट को मेजर कर रहा है, टाइम, देखो टाइम रेट बता रहा है ना। यहाँ पर सिर्फ था वर्क डन बाय द सोर्स, जो करंट को मेंटेन कर रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है बेसिकली, टाइम से लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पावर की जब बात करें तो ये बोल रहा है टाइम रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम्ड या डिसिपिएट किया जा रहा है उस इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कनेक्ट है उसके रेट को लेके चलेंगे, मैंने एक रेट के मेजरमेंट रेट हमारा चलेगा इसमें, बेसिकली उसके टाइम रेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो उसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर, पावर = मतलब हमारा क्या होता है, VI। ठीक है, तो VI देखो वोल्टेज होगी, I तो हमारा करंट होगी, ये तो आप लोग सिंबल जान ही रहे। पावर = बेसिकली हमने उधर आपको दिखाया होगा कभी कि ये एनर्जी बाय टाइम होता है, हम लोग इसी के रेट की बात कर रहे थे, टाइम यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड जो हमारा बात हो रहा था उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, एनर्जी मतलब हम लोग कभी बात किए होंगे कि W/T, अगर लेक्चर देखोगे उसमें एक्सप्रेशन में हमने किया था इस तरह का बात, वही वर्क डन बोलो या एनर्जी, उसको
पर यूनिट टाइम मेज़र करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। वहाँ से फिर हम लोग ये सब फार्मूला डेराइव करते हैं, आप लोग देखे होंगे अगर चैप्टर पढ़े होंगे। पी इक्वल टू होता है वी आई, जिसको हम लोग यहाँ से फिर कन्वर्ट करके दो फार्मूला और निकाल सकते हैं, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर इक्वल या तो इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहाँ से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। सेकेंड में हम लोग कहते हैं कि दूसरा जो हमारा इसका, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनर्जी सोर्स। ये क्या है, ये हमारा, एक मिनट साउंड आ रहा है। तो कभी हमने इस पे बात किया होगा, देखो यहाँ से सेकंड से हमें ये समझ में आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनर्जी सोर्स। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर, उसी का इक्वल होता है ये इलेक्ट्रिक पावर। और थर्ड में हम लोग इसका एसआई यूनिट लिख देंगे, इट्स एसआई यूनिट इज़ वाट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वाट, नॉट किलो वाट, वाट। और वन वाट इक्वल टू होता है वन जूल पर सेकेंड, वन जूल पर सेकेंड, क्योंकि एनर्जी ऊपर है टाइम नीचे, तो जूल पर सेकेंड आ रहा है, यानी ये समझ में आता है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दो क्वेश्चन और इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पावर और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली होता क्या। अब यहाँ पर देखो इसको समझा दो केस, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, ये आपका कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन, कि आउट ऑफ कोई भी दे दिया, मान लो तीन ऑप्शन दे दे, चार ऑप्शन, वन मार्क्स, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या जब फाइव मार्क्स में पूछेगा तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही मिला देगा। तो आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट लैंप, विच वन हैज़ हायर रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। जब आप बात करते हैं कि 60 वाट और 40 वाट में ये जो लैंप आपका ग्लो करेगा जब उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो कौन सा हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो एक रिलेशनशिप को याद रखना, एक रिलेशनशिप याद रखना कि पावर और रेजिस्टेंस में जो उसका रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अब यहीं से तुम समझ सकते हो कि 60 वाट और 40 वाट में पावर किसका अधिक है, 60 वाट का पावर अधिक है, तो 60 वाट का पावर अधिक है यानी कि जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि ये 40 वाट वाले का क्या होगा, रेजिस्टेंस हाइयर होगा, है कि नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आराम से समझ गए, इस रिलेशन को याद रखोगे बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी देगा चार ऑप्शन कभी भी, तो हम लोग फट से अगर हमको ये रिलेशन याद है कि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो हम लोग फट से चार ऑप्शन दे देगा उसमें कि 60 वाट, 40 वाट, 100 वाट, तो इस तरह से बोलेगा और बोलेगा कि किसका मैक्सिमम होगा इसमें रेजिस्टेंस। फट से रिलेशन याद है तो एक सेकेंड भी तुमको नहीं लगेगा टिक करने में, नहीं पता रहेगा तो बेसिकली सोचते सोचते हमारा टाइम निकल जाएगा। थर्ड नंबर देख लो, ये हमने कन्वर्ट कराया था, एक वीडियो लेक्चर को देखोगे तो वहाँ पे मिलेगा तुमको कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस पर तो एक लंबा लेक्चर दिए थे हम कि इसका जो कमर्शियल यूनिट होता है वो क्या होता है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग स्मॉल के डब्ल्यू एच, ऐसे कहीं देखोगे हम लोग एक्सप्रेशन को कन्वर्ट भी किया था और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कन्वर्ट इट इनटू जूल्स, तो किलो वाट आवर को हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो वन किलो वाट आवर, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो वन किलो वाट आवर, तो वन किलो में होता है 1000, 1000 ये हो गया हमारा 1000 जूल, तो 1000, अच्छा एनर्जी का यूनिट हम लोग लास्ट में जूल कन्वर्ट कर देंगे, तो 1000 समझो वन किलो वाट में 1000, और आवर को हम लोग क्या करेंगे एसआई में ले जाएंगे ना, तो सेकंड में ले जाना है, तो बेसिकली वन आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट को फिर सेकंड में गुना करने के लिए 60 से करेंगे 3600 सेकंड। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ हमारा आएगा, देखो 1000 इंटू ये 3600 है कि नहीं, अब इसको 36, अब इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखोगे तो अच्छा रहेगा, याद करने में भी आसानी होगी, तो 36 और जीरो कितना चला गया, 3 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन हमारा यही होता है, और उसके बाद इस पर पावर कितना होगा बताओ। अब देखो एक यहाँ पर पॉइंट देने के लिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया तब तो यहाँ पॉइंट आया, 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा तब तो ये नंबर सेम रहेगा ना, इसको काट दे फिर तो वही रह जाएगा, तो इसको 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये 10 कहाँ जाएगा इसमें, मतलब 6 पावर 6 जूल इतना होता है हमारा, तो हमने कन्वर्ट कर दिया किलोवाट से जूल, कमर्शियल यूनिट क्या है किलोवाट आवर। तो गाइस आप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही एपिसोड को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को एक्टिव जरूर रखें ताकि जब भी वीडियोज़ आए तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।